हमारे बच्चे हमसे डरते नहीं हैं, हमारा ओवरऑल जो सोशल सर्कल है हमारी बात नहीं सुनता, आपके वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ दो हाथी अगर रखें तो बहुत ही शुभ होगा। हाथियों की सूंड जो है ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट आप उसे जरूर निहारें और समझें कि आपके लिए यह एक चीयर फैक्टर है, तो आपकी लाइफ में दबदबा जरूर बने। तो बहुत अच्छे होते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं वाटरफॉल टेल से रिलेटेड बताऊंगा, नॉर्थ में लगाना है, ईस्ट में लगाना है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन है, लेकिन वाटर फाउंटेन जब आप ऑपरेट करते हैं उसका पानी किस तरफ गिरता है, क्या आपके मेन डोर की तरफ उसके पानी का फ्लो है? ऐसा है तो वाटर प्रॉस्पेरिटी होती है, वाटर विष्णु भगवान का रूप होता है। तो आपका वाटर अगर बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, सिंबलाइज कर रहा है कि बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मनी ड्रेन हो जाएगी। वाटर फाउंटेन को ऐसे रखें कि उसका रुख मेन डोर की तरफ नहीं होना चाहिए। चिड़चिड़ापन सा मिलता है और लगता है कि कहाँ आ गए, बहुत आज़ादी थी सारा दिन घर में और बेडरूम में आपको चिड़चिड़ापन क्यों लग रहा है? हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है अगर आपके बेडरूम में और दूसरे लोग भी सारा दिन आते हैं, आपके बेड पे बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, ऐसा नहीं होने दीजिए। बेडरूम को सीक्रेट रखिए, अलग रखिए और अपने तक ही सीमित रखिए। साउथ वेस्ट में एक बहुत ही क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स की आपको पिक्चर लगानी चाहिए। आप किसी भी कंट्री से बहुत बड़ी बड़ी इमारतों की पिक्चर लेकर के साउथ वेस्ट में लगाइए, तो आपका बिजनेस भी जगह पर आ जाएगा, एकदम फ्लो में रहेगा और आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आएंगे। सब्सक्राइब नाउ फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस बाय डॉक्टर पुनीत चावला।